अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट, जो कि अक्सर पेपर में इस तरह के चार पांच क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसको भी आप जरूर देखें, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ये है एक क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है। तर्क वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, कुछ बातें बोली जाती हैं स्टेटमेंट के हिसाब से, और उसको आपको बताना है कि क्या इनका ये कंक्लूजन सही है या नहीं है, ठीक है। एक होता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, तर्क और वितर्क, ये है निष्कर्ष वाले, ठीक है। तो इसने पहला पॉइंट जो बोला कि सम लेमन्स आर येलो, तो देखिए मैं ये बना दिए मैंने लेमन्स, लेमन मतलब नींबू, ठीक है। ये सारे इसके अंदर लेमन है, रख दिए, माना माना है, ये ऐसे बनाते हैं, वेन डायग्राम होता है, ठीक है। और कुछ लेमन येलो हैं, तो इसमें से कुछ को हमने ले लिया इधर वाले, मान लीजिए ये ले लिए, इनको हमने लिख दिया येलो, भाई ये लेमन हमारे येलो कलर के हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कहता है ऑल येलो आर लाइम, ठीक है, जो जितने भी सभी येलो हैं वो लाइम है, ठीक है भाई। तो ये लाइम बना दिया, और इसके कहने के अनुसार देखिए सभी जो येलो हैं वो लाइम के अंदर आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। ये डायग्राम दो तीन प्रकार से बन सकता है, आपके मन में जैसा है आप वैसा बनाइए, पर ये दोनों स्टेटमेंट उसमें फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। बना दिया मैंने, ऐसा बनाया, मेरा दिमाग यहां तक चला। अब कंक्लूजन क्या कहता है, पहला कंक्लूजन कहता है कि जो निष्कर्ष कहता है, नो लाइम आर लेमन, नो लाइम आर लेमन, मतलब हिंदी में कोई लाइम लेमन नहीं है। तो यहां से आप देख के जरा बताएंगे भाई, लाइम ये सारे हैं, ये सारे क्या हैं, लाइम है। तो क्या ये बात सटीक बैठ रही है कि भाई कोई लाइम लेमन नहीं, भाई लेमन तो पूरा बड़ा है ना, और लाइम इसके अंदर ही है, तो ये बात इसकी क्या हो गई, गलत। दूसरा पॉइंट कहता है सम लेमन आर लाइम, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ लेमन लाइम है। तो देखिए लेमन इधर बहुत सारे हैं, पर लाइम के अंदर जो ये लेमन का हिस्सा आया है ये कुछ ही आया ना, तो ये बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए बी सी और डी, इसमें ये रहेगा कि ना तो दोनों फॉलो कर रही हैं, दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकले, एक निकला एक नहीं निकला, केवल पहले वाला सही है या केवल दूसरे वाला सही है। तो जहां पर दूसरे वाला निष्कर्ष सही है वहां पे आपने यस कर देना है, टिक लगा देना है, तो अपना आंसर, ठीक है, ये है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे, करते चलेंगे, ठीक है। अगला ही इसी तरह का क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए मैंने पहले बताया था कि भाई कुछ आते हैं आपके एजम्पशंस, ये था पीछे वाला था निष्कर्ष, ये है एजम्पशंस, ठीक है, अवधारणा, अवधारणा के हैं, स्टेटमेंट मिलेगी और अवधारणा, ये दो तीन प्रकार के हैं, ये सारे आपको करने हैं, समझने हैं कि कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें कहता है पांच दिन वीक में अगर आप काम करते हैं, एक हफ्ता में अगर आप काम करते हैं, तो जो एम्प्लॉयज है, जो काम करने वाले हैं, उनका जो स्ट्रेस है, उन पर जो तनाव है वो कम रहता है, ये इसने स्टेटमेंट दी है। और मानना क्या है, एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये है कि पहली है एम्प्लॉय आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड ड्यू टू पर्सनल इश्यू, मानना ये है उनका कि जो एम्प्लॉय है वो अपने घरेलू पर्सनल इश्यूज की वजह से हमेशा स्ट्रेस में रहता है। दूसरा उसका मानना ये है पांच दिन काम करेंगे ये एक ग्लोबल ट्रेंड आ गया है, मतलब
अक्सर ये आजकल दूसरे देशों में और अपनाया जा रहा है। तो पहले वाली जो है ये एक अवधारणा गलत है कि भाई ऊपर वाली स्टेटमेंट को देख के हम ये अवधारणा नहीं लगा सकते कि वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ आदमी खुश भी रहते होंगे, कुछ दुखी रहते हैं, कुछ नॉर्मल रहते हैं, तो सभी स्ट्रेस में नहीं रहते, ये बात ऊपर वाली स्टेटमेंट नहीं कह सकती। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, भाई आजकल ट्रेंड में है, ग्लोबल ट्रेंड में है, एक हफ्ते में 5 दिन काम करना ग्लोबल ट्रेंड में है, तो ये बात भी इस स्टेटमेंट से निकल कर नहीं आ रही है। तो दोनों को ही हम क्या कह देंगे कि दोनों ही, इससे कोई अजम्पशन हम नहीं ले सकते इन दोनों के लिए। तो ये दोनों बातें यहाँ पे गलत हो गई। जिसके अंदर भी ये दोनों ऑप्शन गलत दिए होंगे वो हम चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बताइए 77 डिग्री फारेनहाइट किसके बराबर होगा सेल्सियस में। मतलब कन्वर्ट करना है आपको सेल्सियस के अंदर, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूं, आप अपने नोट्स बना लीजिए। C बराबर होता है फारेनहाइट में से 32 माइनस कर दो और उसको 5.59 से गुना कर दो। ये फॉर्मूला है सेल्सियस से फारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का। ठीक है, कैसे? अब मैं बदल के दिखाता हूँ फटाफट। ये देखिए फारेनहाइट की वैल्यू दी है 77, उसमें से 32 माइनस करेंगे पहले 5.9, 77 में से 32 माइनस किया तो बच गया 45, ये आ गया 5.9, ये कट जाएगा 9 × 5 = 45, ये आ गया 25 डिग्री। तो कितना सेल्सियस आ गया? 25 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि फारेनहाइट में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, लगाइए दिमाग। तो वो होता है दोस्तों 98.6। ठीक है, और अगर सेल्सियस में बात करें तो इसी को आप चेंज करके देखिए, इसी फॉर्मूले में लगा के देखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल 1 सेकंड में करने का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, यही वही स्टेटमेंट का आ गया है स्टेटमेंट, बताइए इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन दिया है ऊपर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन ए क्लास। क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए अनुपात क्या है लड़कियों का और लड़कों का, ये बताना है क्वेश्चन। और स्टेटमेंट दी हुई है, बातें बताई गई हैं दो। अब क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि बताइए ये जो दो स्टेटमेंट दी हुई है इन दोनों से ही इसका आंसर निकलेगा, या केवल इससे आंसर निकल जाएगा, या केवल इससे निकल जाएगा, या दोनों ही स्टेटमेंट पूर्ण नहीं है इस आंसर को निकालने के लिए। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या कहते हैं। एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, इसमें लिखा है पहली स्टेटमेंट में उस क्लास में 20 बच्चे हैं। दूसरी स्टेटमेंट में लिखा है जो रेशियो है लड़कियों का और लड़कों का वो है 3:7। तो मुझे क्या लगता है दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा अनुपात बताइए और यहां पे सीधा सीधा अनुपात लिखा हुआ है, तो केवल यही एक स्टेटमेंट काफी थी इसका आंसर देने के लिए, और 20 वाले से तो आंसर आएगा ही नहीं भाई, 20 का क्या निकालेंगे, कुछ नहीं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि जो स्टेटमेंट 2 है वही काफी है इसका आंसर देने के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकालनी है, 10%। देखिए 10% ऑफ 110%
ऑफ 110। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसकी वैल्यू निकालो भाई। तो देखिए सबसे पहले है ना, आप इसको सॉल्व करें, फिर जो आएगा फिर इसको सॉल्व करें, ये तरीका है। अब तरीका तो समझ में आ गया कि निकाले कैसे, मैंने पहले ही बताया परसेंटेज और रेशियो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, परसेंटेज और रेशियो इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए मैंने पहले बताया था कि अपने को निकालना 110%, भाई 110 का मतलब होता है 100% प्लस 10%, 110 का 100% तो 110 खुद है। अब निकालना है 10%, लास्ट टाइम मैंने बताया था किसी भी चीज का आपको 10% निकालना है तो उसकी एक जीरो माइनस कर दो, तो ये 10% आ गया किसका, 110 का। तो इसका मतलब 110%, 110 का कितना हो गया, 121, ठीक है। तो बस इसकी जगह आप 121 लिख दीजिए। अब इसका भी 110% निकालना है। अब मैंने वही बताया, अगर जीरो होती है किसी के पीछे तो उसका जीरो निकाल दो तो उसका 10% आ जाता है, पर 121 में तो जीरो ही नहीं है। अगर 121 में जीरो नहीं है, 10% निकालना चाहते हो तो पीछे से एक से पहले, एक अक्षर से पहले, एक नंबर से पहले डॉट लगा दो तो वो उसका 10% आ जाएगा। तो ये हो गया 12.1। इसका आंसर जो कि इसमें टिक किया हुआ है वो गलत है, बी इसका आंसर रहेगा। आशा करता हूँ आपको मेरे जो सरल तरीके हैं समझाने के, बिल्कुल जो भाई जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी कर जाएगा, आसान लग रहे होंगे। आसान लग रहे तो लाइक ज़रूर करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डिविजिबल, मैं आपको बताऊंगा इसका भी टॉपिक आपको तैयार करना है, ठीक है। एक तीन डिजिट का नंबर, तीन अंकों का नंबर है, बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, और ये जो नंबर है ये 11 से भाग जाता है, ये इसने बोल दिया है, ये इसने बोल दिया है। अब आपको इसका रूल पता होना चाहिए कि 11 से अगर भाग जाता होगा तो रूल क्या होता है। तो सुन लो ध्यान से बात, रूल ये है कि आपको इसके सम नंबर्स, इवन नंबर्स जो भी हैं, ये पहला नंबर था, ये दूसरा, ये तीसरा, आगे भी होता चौथा पांचवा छठा, तो आपको जो जो इसके सम नंबर्स होंगे 1, 3 और 5 पे जो नंबर होंगे, ठीक है, उनको जोड़ना है। मतलब जोड़ इवन नंबर का, इवन संख्याओं का, माइनस करना है जोड़ ऑड संख्याओं का, ऑड पे जो संख्याएं हैं उनका। जो भी आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो या तो शून्य आना चाहिए और या फिर ऐसा आना चाहिए जो 11 से भाग जाता हो, ठीक है, ये रूल है। तो वो नंबर पूरा पूरा 11 से भाग जाएगा, ये 11 का रूल है कि 11 से वो कट जाएगा। तो देखिए जोड़ करता हूं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, तो जोड़ करना है इवन संख्या होता है, तो इवन में केवल ये दूसरी संख्या है जो कि x है, माइनस फिर जोड़ करना है मेरे को इवन संख्या और ऑड संख्याओं का, तो 7 और 6 13, ठीक है, इन दोनों का जोड़ घटाने से, जोड़ों को घटाने से कितना आना चाहिए, या तो आ जाए शून्य, बताया हुआ है कि ये 11 से भाग होता है, तो इसका मतलब या तो शून्य आएगा और या फिर ऐसी संख्या आ जाएगी जो 11 से भाग होती होगी। तो x क्या होगा कि वो 13 से घटकर 0 आ जाए या फिर 11 से भाग होने वाला आ जाए, तो आप सोचिए। x केवल एक ही संख्या होगी, दो संख्याओं को नहीं ले सकते आप, जैसे 12 लिख दिया, 13 लिख दिया, ऐसा नहीं, केवल एक नंबर होगा वो, एक संख्या। तो मैं अगर यहां पे 2 लिख देता हूं, 2 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 11,
वो संग ये माइनस का निशान आएगा उसको आप छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है। तो दो अगर एक्स की वैल्यू दो होगी तो 13 घट जाएगा तो 11 आ जाएगा, और 11 क्या किससे भाग जाता है, 11 के पाड़े से जाता ही भाग है। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी आपकी 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 11 का। अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन नंबर कहता है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको आपके होमवर्क के लिए देता हूं, आपको इसको मुझे बताना है कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम 43 अभी अभी पीछे करके आए हैं, आप भी कुछ कीजिए, दिमाग लड़ाइए। कहता है बताइए इंडिया का सबसे ज्यादा गोल स्कोरर कौन है रिकॉर्ड अक्टूबर 2018 के अनुसार। तो सुनील छेत्री के अभी तक के सबसे ज्यादा गोल हैं, 92 गोल अभी हैं उनके अकाउंट में, ठीक है। सरल सा क्वेश्चन, तो ये जीके का क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं इसकी, अगर x माइनस वाई का स्क्वायर और y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर आता है इसके, तो आपने वैल्यू निकाल के देनी है 2x प्लस 3y कितना होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको करना एक सीधा सा क्वेश्चन है, ऐसी वैल्यू पुट करो यहां पर x की y की, इधर x की और y की, कि ये दोनों बराबर आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं और y की जगह 2 डालता हूं, तो ये देखिए 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 और ये 0 इंटू 0, तो ये 0। तो ये बात हमारी सत्य हो गई अगर हमने ये वैल्यू डाली है तो, बस। तो फिर यही वैल्यूओं को इसमें डाल के आंसर निकाल दो। आठ आपका आंसर हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन आप दिमाग लगा के बिल्कुल चंद सेकेंड्स में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि ये भी देखिए 46 जो है, 46 भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। इस पे आप दोस्तों अपना दिमाग लगाइए, आपको क्या लगता है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वो काफी है, एक वाला, दो वाला, या दोनों ही सही हैं? आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि सर 46 होमवर्क जो मैंने आपको दिया है वो है 43 और 46 नंबर, आप आंसर डालिए कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए अगर कोई, मान लीजिए ये किसी का हाथ है, ठीक है, उसने इस हाथ को हिलाकर यहां कर दिया, तो जो कोई मूविंग पार्ट है उसको दर्शाने के लिए, मूविंग पार्ट जो हिल रहा है उसको दर्शाने के लिए किस प्रकार की लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लाइन का जो टॉपिक है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से आता है और 2-3 क्वेश्चन तो आपको इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप कहेंगे कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक का ये लाइन आप करवा दीजिए कवर, तो मैं जरूर करवा दूंगा। अदरवाइज मैं देखिए आपको बता देता हूं कि जो लाइन होती है वो 10 प्रकार की होती है, ठीक है, ए टाइप, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई बोलेंगे ना आप आगे, आई नहीं होगा, आई को छोड़ दो, जे और के, ये 10 प्रकार की लाइन होती है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें किसी भी हिलती हुई वस्तु को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, डॉटेड लाइन डबल डॉट की होती है, लॉन्ग डैश आता है, लॉन्ग डैश और उसके बीच में 2 डॉट लाइन,
इस तरह की जो लाइन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी आपने कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह हिली है तो उसको दर्शाने के लिए किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। अब मैं आपको बता दूं पहला कि ए टाइप की जो लाइन होती है, ए टाइप की, उनके अंदर कौन सी आती है। तो जो ए टाइप की आती है दोस्तों, वो होती है आपकी कंटिन्यूस थिक लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ऐसा वैसा मत समझना इसको। कंटिन्यूस थिक लाइन हिंदी में बता रहा हूं क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सतत मोटी रेखा। सतत मोटी रेखा। अब आप पूछेंगे कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, जैसे कि इसका इस्तेमाल तो किसी हिलती हुई वस्तु को दर्शाने में किया गया, तो मोटी सतत मोटी रेखा का किस्सा कहाँ करेंगे। तो देखिए उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, मान लीजिए कोई डब्बा रखा है ऐसे, ये आप उसके ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। ऊपर से देखने पे आपको ये डब्बा दिख रहा है, तो कौन सा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला ना, ये लाइन। तो जो हिस्सा दिख रहा है मतलब जो विजिबल है, दिख रहा है, उसको बनाने के लिए जो लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा वो सतत मोटी लाइन का किया जाएगा, ठीक है। एक तो ये, दूसरा वो विजिबल लाइन को, अगला है विजिबल एजेस, जो कोने हैं, जो किनारे हैं। देखिए ये और ये सब किनारा है, ये वाले फेस और ये वाले फेस का ये क्या है, किनारा है। तो ये किनारा आपको दिख रहा है, तो इस किनारे को भी दर्शाने के लिए आपको कंटिन्यूस थिक लाइन का इस्तेमाल करना है। अगला आता है बी टाइप का। बी टाइप का जो है वो होती है आपकी कंटिन्यूस थिन लाइन, मतलब सतत पतली रेखा। अब इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, ठीक है, 7-8 इस्तेमाल है। तो अगर आपको कोई डायमेंशन दिखानी है, जैसे मान लीजिए ये है भाई, ये लंबाई कितनी है, तो ये जो लाइन है, ये जो बनाएंगे आप दिखाने के लिए, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। इसको दिखाने के लिए आपको पतली रेखा का इस्तेमाल करना है। ये जो लाइन मैंने बनाई भाई, इसकी चौड़ाई को यहां से यहां तक दिखाएंगे ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विस्तृत रेखा। विस्तृत रेखा को भी बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पतली रेखा का। दो बता दिया। तीसरा लीडर लाइन, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई गोला होता और उसके सेंटर को दिखाना है, तो उसके सेंटर को तो यहां तो लिखेंगे नहीं अपन, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, तो उसके लिए अपन एक एरो लगाएंगे, उस एरो को बोलते हैं लीडर लाइन। लीड करती है भाई, दर्शाती है कि अब वो ये जो लाइन बनेगी, ये भी अपनी पतली रेखा वाली लाइन होती है बी क्लास टाइप की, ठीक है। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी जिनको मानना पड़ता है उनके लिए भी है, ठीक है। कोई घुमाव वाली चीजें हैं, ठीक है, ऐसे कोई घुमाव वाली चीज है, उस घुमाव को दर्शाने के लिए भी आपको क्या करना है, ये लंबी है और ये घुमाव है, घुमाव को दिखाने के लिए भी पतली रेखा। इसके ऊपर मैं पूरा एक टॉपिक बना दूंगा, ठीक है, उससे आप देख लेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों लाइन का, इसके ऊपर मैं आपको बना के प्रॉपर एक वीडियो दूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि अगर आप किसी कार की स्पीड को डबल कर देते हो तो उसको रुकने में जो समय लगेगा वो कितना गुना ज्यादा होगा। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम 2-3 फॉर्मूले बताए थे, तो आज एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है, वो है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। फॉर्मूले मैंने बिल्कुल विस्तार से पिछले उसमें बता दिए थे, v आपका क्या होता है, अंतिम गति, और ये है आपकी शुरुआती गति, a है एक्सेलरेशन, और s है आपका जो आपने दूरी तय की है। तो इसकी कहानी आज अपने को देखनी है। तो दो स्पीड है, इसलिए हम
इनमें वन 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 लगाएंगे और जब स्पीड डबल हो जाएगी उसके लिए हम इसमें टू लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है जब कार रुक जाएगी तो फाइनल स्पीड जो अंतिम स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो हो जाएगी। शुरुआत की फिर कुछ मान लेते हैं हम, जो थी वो थी 2as, तो यहां से दूरी कितनी लगेगी अगर इसकी सीधी सीधी बात करें तो ये 2a गुना में है तो ये इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो ये इसको दूरी लगने वाली है अगर ये सिंपल अपनी गति से चल रही थी तो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हमने क्या कर दिया, गति को डबल कर दिया, मान लीजिए, अच्छा तो ये हमने डबल कर दिया, u2 हमने क्या कर दिया अब इसका डबल मतलब 2u कर दिया, ठीक है, पहले u1 था अब 2u1 कर दिया, तो आखिरी में तो उस गति गाड़ी रुकी जाएगी, तो ये जीरो है। ये कितना किया हमने 2u, ठीक है, तो अब देखेंगे दूरी कितनी दूरी पे जाके रुकेगी, तो ये 2a फिर इसके नीचे आ जाएगा, ये उसका स्क्वायर खुल जाएगा, तो 2u1 का स्क्वायर और 2a इसके नीचे। अब देखते हैं फर्क कितना आया, ये देखते हैं, यहां से इसमें से निकालो, अगर बाहर निकाल लेता हूं 4 तो जो अंदर बचता है वो पहले वाला है, यही चीज है, और बाहर आया 4, इसका मतलब जो दूरी लगी वो 4 गुना हो गई, तो इसका आंसर आपका आ गया 4 गुना हो जाएगा अगर आप गति को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, शैतान जग गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 49, आज 50 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इसका रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को उठा के जरूर सॉल्व करते रहिए। अगला क्वेश्चन 49 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मोड निकालिए इसका क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो बस आपको सिंपल इसमें दिया हो और एक होता है आपका एक्स और वाई, ठीक है, जब क्लास में दिया हो 10 से 20, 20 से 30, उसके अलग फॉर्मूले हैं मीन मोड निकालने के, और इसमें आसान सा तरीका है। ये चार प्रकार की चीजें होती हैं आपकी, मीडियन, मोड, मीन और रेंज। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है उस कोई संख्या लिखी हुई है उनका बीच, वो मीडियन होता है। मोड जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है वो मोड कहलाती है। मीन, मीन होता है जितनी भी संख्याएं हैं उनका जोड़ और भाग में कुल जितनी संख्या है उससे। और रेंज होता है बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के बीच का अंतर, ठीक है। तो इसका निकालना है मोड अपने को, तो सबसे पहले मोड निकालने का इसका साधारण तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करें, इनको नंबर्स को जो ये अभी तो सही लगे हुए हैं, अगर आपको अटपटे रूप में आते तो सबसे पहले आप क्या करें, इनको एक असेंडिंग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लें और फिर देखें कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पे है 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन है कि जो ओजोन है उसके सबसे ऊपरी जो परत है ट्रोपोस्फेयर की, वो उसमें किस चीज के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यूवी जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको ए वाला लगाना। तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन, अच्छा लगा है दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या डाउट आया, क्या हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें ला सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक पे आप पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।